हाय गाइस, तो आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कोसारे एम्पायर के रॉक पिलर्स जो कि बनाया गया था 1536 सेंचुरी में। तो चलिए आज का एंशिएंट जर्नी शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सब लोग कैसे खूबसूरत अच्छे आएंगे। तो गाइस, बहुत 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 दिनों के बाद, करीब दो महीने बाद मैं फिर से आप लोगों के पास एक नया वीडियो लेके आया हूँ। मेरा कुछ काम था, कुछ बिजी था, मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं निकल पा रहा था मैं, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं दे पा रहा था। लेकिन फाइनली अभी मैं फ्री हो चुका हूँ, तो अभी से हर संडे एक एक ब्लॉग देने की कोशिश करूंगा। बाकी आज का जो प्लान है आप लोग को पता चल जाएगा कहाँ पर जा रहा हूँ। सो देखते रहिए और हमारे साथ एंजॉय करिए आज का जर्नी। सबसे पहले तो मेरे को करना था बाइक में रिफ्यूलिंग, तो मैं पहुंच गया सीधा पेट्रोल पंप और रिफ्यूलिंग करने के बाद फिर मैं पहुंचा अपने दोस्त को पिकअप करने के लिए। एंड फिर फाइनली हम सभी लोग वहां से निकल पड़े टुवर्ड्स कासुमानी के लिए। खूबसूरत रोड और खूबसूरत इवनिंग के नजारे को लुप्त उठाते हुए हम लोग जा रहे थे। जैसे अच्छी रोड मिल रहे थे, ऐसे भी बुरे भी रोड मिल रहे थे। रात को बारिश वाला तो रोड थोड़ा खराब भी था बीच बीच में। और ऐसे ही जाते 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 हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। और पहुंचने के बाद फिर हम लोग एंट्री किए और एंट्री करते ही आप लोग को लेफ्ट साइड पे देखने के मिलेंगे इस जो रॉक पिलर से, इनकी हिस्ट्री के बारे में, किस लोगों ने बनाया था और किस सेंचुरी में बनाया था, सभी ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग पोस्ट करके देख लीजिएगा। उसके बाद फिर ये है एक ब्यूटीफुल सा पार्क और ये है मेरे सामने ये रॉक पिलर। तो गाइस, यहाँ पर ऐसे 35 रॉक पिलर्स है जो कि कोसारे एम्पायर लोगों ने बनाया था 1536 में। और ये जो रॉक पिलर्स है, ये रॉक पिलर्स दो साइड में बटे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं, पहले में एक लाइन है, दूसरे साइड पे एक लाइन है। और ये जो पहला लाइन है, इस पहला लाइन को बोलते हैं सेसमैन पिलर और जो पीछे के दूसरे लाइन है, दूसरे लाइन को बोलते हैं स्वॉर्ड ब्लेड पिलर। मतलब ये दोनों तरफ से, मतलब दो टाइप से वो लोग ने डिवाइड किया है। पहला वाले को बोलते हैं सेसमेंट पिलर और दूसरे पीछे जो है, जो पहले सामने वाले से थोड़ा हाइट में छोटा है, उनको बोलते हैं स्वॉर्ड ब्लेड पिलर। मतलब तोरवाल को रिप्रेजेंट ऐसे कुछ करके बोला, मतलब बनाया है उन लोगों ने, मतलब। और ये जो बनाया गया था, ये बनाया गया था एक्चुअली जो कोसारे एम्पायर के लोग फाइटिंग में वीरगति के प्राप्त हो जाते थे अपने एम्पायर के लिए फाइटिंग करते करते, तो उन लोगों के स्मारक ऐसे रखने के लिए, उन लोगों के मेमोरियल के लिए ये सब बनाया गया था। तो ऐसे ही सेम डीमापुर में भी है और यहाँ पर भी है। दोनों कोसारे लोग डीमापुर में रहते थे, फिर आम लोगों ने वहाँ पर अटैक किया, उसके बाद वो लोग ने अपना राजधानी मायवंग बना लिया और फिर इस तरफ भी आए और फिर यहाँ पर उन लोगों ने ये सब बनाया था। बाकी आप लोगों को मैं और एक चीज़ दिखाने वाला, ये देखिए एक प्राचीन एंशियंट चीज़ है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है यार, ये क्यों लिखता है, ये कौन लोग है, क्या मतलब, क्या बोलूँ यार। वो जो एक डायलॉग है ना, कौन है ये, कहाँ से आते हैं ये, वही लोग है ये भाई, वही लोग है ये क्यों करते हो यार, प्लीज़ मत करो ये करने से। मतलब ये देखो, ये हमारा मतलब अस्तित्व है, ये आसाम के जितने में बहुत सारे, इंडिया में हर जगह पे अगर प्राचीन कुछ चीज़ है ना, वहाँ पर कोई ऐसे लोग होंगे जहाँ पर ये जाके ये अपना प्यार का निशानी दे के आएंगे। ऐसे हर जगह पर मतलब ऐसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। तो गाइस, सही था एक छोटा मोटा ब्लॉक हमारे कासुमानी में रहने वाले कोसारी लोग का, ये हिलास्तम तो सारे एम्पायर हैं उन लोगों का इलास्ता में। तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था यहाँ पर आने का, लेकिन मैं आ नहीं पा रहा था और आज आ गए ऐसे ही। तो आप लोग को दिखा दिया और मैंने जो भी बात बोला, हाँ, ये जो मतलब पत्थर के पीछे ऐसे लिखा हुआ है, इन लोगों ने भी किया है, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ सभी को, ऐसा मत करिए क्योंकि ये इतिहास है, यही हमारे अस्तित्व है, इनको खराब मत करो, ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं, ऐसे ही रहने दो। और गवर्नमेंट कुछ स्टेप लेना चाहिए क्योंकि पार्क तो सही है लेकिन वहाँ पर पत्ते वत्ते भी गिरे हुए हैं। यहाँ पर ऐसा मतलब एक काम करिए कि सुबह एक बार सफाई हो, शाम को एक बार सफाई, तो ये बहुत साफ रहेगा और साफ रहेगा तो दिखने में अच्छा लगेगा। और ऐसे जो पुराने ऐतिहासिक, ये नहीं जितना भी आसाम में हमारे जो अस्तित्व की जितने भी पुराने एंशियंट चीज़ें हैं, इतिहास की चीज़ें हैं, वो सबको
अच्छे तरीके से रहना हमारा कर्तव्य है, तो आशा करते हैं गवर्नमेंट कुछ स्टेप लेंगे। बाकी अच्छा ही लगा आके यहाँ पर, और वो आप लोगों को भी अच्छा लगे, और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक ज़्यादा से शेयर कीजिए, कमेंट करें, आप लोग कैसे सब्सक्राइब करना चैनल प्रेस द बेल आइकन सब्सक्राइब करें, हमारे कैनल में देखते रहो, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, सो थैंक यू सो मच, कीप द बेल आइकन ऑन, बाय।